तो जी हाँ भैया, स्वागत है एक और वीडियो में। तो आज बात करते हैं एमवी की होल हार्टेड एल्बम के बारे में, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है और काफी सारे लोग कह रहे हैं कि भाई अच्छी है बुरी है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। तू तेरा देख कौन क्या सोचेगा बताना, तेरा देख आता नहीं खोटा प्यार जताना, तेरा देख। तो काफी सारे लोग कह रहे हैं पसंद नहीं आ रही, काफी सारे लोगों को पसंद आ रही है, तो उसके बारे में बात करते हैं। पूरी एल्बम में काफी मेलोडिक साउंड है, काफी जो फिट टाइप के गाने हैं। काफी सारे लोग कह रहे हैं कि भाई तलांजुम से सारे गाने कॉपी है, तो भाई यार सारे ही सैड सॉन्ग तलांजुम के नहीं है, बाकी आर्टिस्ट भी सैड सॉन्ग बना सकते हैं और मुझे काफी सही लगे सारे के सारे। तो मुझे पर्सनली एल्बम काफी बढ़िया लगी भाई, जितने भी गाने आए मुझे पर्सनली काफी ठीक ठाक लगे। गाने काफी ज्यादा मेलोडिक और काफी ज्यादा लूफी टाइप के गाने थे पूरे, मतलब मेरा फेवरेट होगा अक्सर गाना, मतलब मुझे काफी सही लगा वाला। हमें ये नहीं कहने वाला सारे के सारे परफेक्ट थे, काफ़ी सारे गाने में कुछ कमियाँ थी पर काफ़ी सही लगी मुझे एल्बम। सबसे हैरानी की बात ये है कि भाई एमवी उस तरह का आर्टिस्ट जिसने भाई कंपनी ऐसे गाने बनाए। वर्सेटैलिटी के लिए तो भाई फुल रिस्पेक्ट भाई एमवी भाई, हमें उन चूते में से नहीं जो भाई बिल मतलब फालतू की हेट फैलाएगा, मगर मुझे गाने अच्छे लगे तो अच्छे लगे। द गॉड मिंटा का फीचर नहीं हुआ भाई गानों में, इसी बात पर उस गाने यार जितने भाई फीचर थे सब ने काफ़ी अच्छा काम करा पूरे गानों में। हैलाक ने भी काफ़ी अच्छा काम करा, इस बात से हैरानी मुझे खुद हो रही, पर हाँ काफ़ी अच्छा काम करा भाई उसने भी। हाँ यंग गालिब ने भी काफ़ी अच्छा काम करा और मैं चाहूँगा भाई वो डिस्ट्रिक्ट से अच्छा इस तरह के गाने बने ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी वो तो ऑब्वियस है कि भाई अक्सर ऐसे गाने पे नहीं आने वाले 100 मिलियन व्यूज़, क्योंकि अच्छे गाने ना वो कंपनी जैसे गाने पे आ जाएंगे 100 मिलियन व्यूज़, लेकिन इस तरह के गाने पे नहीं आने वाले। और मुझे उन लोग का समझ नहीं आ रहा जो कह रहे हैं कि भाई एमवी ने डिस नहीं करा भाई इसलिए बेकार है गाने। अब तुम चाह रहे हो आर्टिस्ट हर बार भाई मचाएंगे फोर बनाते रहे तो कैसे चलेगा। और इस वीडियो को पूरी देख लो, पता लगा लो, मुझे नहीं है नफरत भाई एमवी से, नहीं करता मैं उससे नफरत, मैं नहीं चाहता वो गिर जाए कहीं स्टेज पे। मुझे काफ़ी बढ़िया वाइब लगी भाई पूरी एल्बम की, काफ़ी सारे गाने थे जो कि भाई मुझे काफ़ी बढ़िया लगे, जैसे कि फोर यू वाला रीमिक्स गाना बहुत बढ़िया लगा मुझे। और हैलाक वाला गाना भी काफी बढ़िया था। अब हालांकि फेक वंस वाला गाना मुझे इतना खास लगा नहीं, और मुझे इतना चूती आर्ग्यूमेंट लगता है कि भाई अगर मैं कृष्ण के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ तो मैं तारीफ नहीं कर सकता एमवी की। यार भाई ये क्या लॉजिक है, अगर मुझे कुछ गाना अच्छा लग रहा है एमवी का तो मैं तारीफ करता हूँ उसकी, और कृष्ण के कुछ गाने बुरे लग रहे हैं तो मैं उसकी भी बुराई करता हूँ। अब कृष्ण बुरे गाने बनाते नहीं तो इसमें मेरी गलती है यार। अब भाई इस तरह के गानों पर यूज़ आते नहीं तो इसलिए हमारे एमवी भाई फिर से डिस्ट्रैक्ट आएंगे, फिर से मचाएंगे फाइव आएगा, तो भाई गलती इसमें किसकी है, ऑडियंस की है। दुनिया में कृष्ण से बहुत बड़ी है भाई, अच्छे गानों को सपोर्ट करो अच्छा रहेगा। और मैंने देखा भाई काफ़ी सारे लोग कमेंट नहीं कर रहे वीडियो पे, यार पाप पड़ेगा सारो, कर दो यार कमेंट, जो लगता है भाई कर दो, जैसा लगता है करवा के इस वीडियो के देते रहेंगे। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार,